काफी पसीना बह रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे हॉनर 200 के बारे में, क्योंकि यह फोन चाइना में तो लॉन्च हुआ है बट इंडिया में भी आ सकता है, जो कि अमेज़न पर देख सकते हैं थोड़ा सा लिस्टेड हो चुका है और लीक्स के रिकॉर्डिंग भी कहा जा रहा है भाई। तो हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं कि यह फोन में क्या मिलता है, यह फोन कैसा है और प्राइजिंग जो कि चाइना में क्या है भाई। तो पहली बात आप लोग को दिखा देते हैं जो कि हॉनर 200 का थोड़ा सा अनबॉक्सिंग देख लीजिए, क्योंकि यह चाइनीज अनबॉक्सिंग है भाई, जो भी है तो समझ सकते हैं। बाकी फोन का बॉक्स में जो रहता है सब कुछ रहेगा भाई। बाकी फोन देख सकते हैं आप लोग के सामने भाई, जो कि बिल्ड क्वालिटी क्या है नहीं है आप लोग को बताते हैं। बाकी डिजाइनिंग देखकर बताइए आप लोग को कितना अच्छा लगा, बेकार लगा। बाकी हमको ठीक ठाक लगा भाई, उतना भी कोई खास नहीं लगा भाई। ट्रिपल कैमरा दिया गया है। बाकी इसका बिल्ड क्वालिटी से बात कर ले तो भाई प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास बैक के साथ होगा, और डिस्प्ले से बात कर ले तो क्वाड कर्व के साथ होगा, 6.7 इंच के साथ होगा, 1.5 का रेजोल्यूशन के साथ होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ होगा, पिक ब्राइटनेस 4000 निट्स के साथ होगा, HDR10 सपोर्ट करेगा। यह सब कुछ है डिस्प्ले में भाई, तो डिस्प्ले गुड एंड बेस्ट है भाई। बाकी इसका कैमरा से बात कर ले तो 50 मेगापिक्सल मेन सोनी सेंसर के साथ होगा, जो कि सेंसर में हम देख सकते हैं आप लोग के सामने है। बाकी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, लेकिन यह नहीं पता कौन सा सेंसर है। बाकी 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल जूम 2.5x तक कर सकते हैं, डिस्टेंस 50x कर सकते हैं, बट यह भी सेंसर सोनी का दिया गया है। बाकी सेल्फी देख सकते 50 मेगापिक्सल के साथ आता है, यह नहीं पता कौन सा सेंसर के साथ आता है। तो कैमरा के मामले में हॉनर का फोन मस्त रहता है काफी सालों से, इस चीज पर भाई डाउट मत करिएगा फोटो क्वालिटी में, बट वीडियो में थोड़ा सा मार खा जाता है भाई, जिस प्राइस पर आता है हॉनर का फोन उस प्राइस में, तो भाई समझ सकते हैं। बाकी चाइनीज फोटो देखे तो भाई ठीक ठाक लगा, इंडिया में आता है तो उसके बाद ही बताया जा सकता है कैमरा के मामले में। बाकी इसका बैटरी बैकअप से बात कर ले तो 5200 mAh का बैटरी आएगा, चार्जर जो कि 100W सपोर्ट करेगा, वायरलेस चार्जिंग 66W सपोर्ट करेगा, जो कि हम और आप खरीदेंगे नहीं, फोन खरीदेंगे तब पर भी वायरलेस चार्जिंग की बात कर रहे हैं। बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता भाई, यही कुछ है। बाकी इसका परफॉर्मेंस से बात कर ले तो इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ आता है, गुड परफॉर्मेंस निकाल सकता है, क्योंकि आज के एरिया में 20-25 हज़ार के फोन में आता है यही सेम प्रोसेसर। बाकी तो भाई आप लोग जानते हो कितना खतरनाक प्रोसेसर 30 हज़ार के प्राइसिंग में आ रहा है आजकल, तो भाई गुड सा परफॉर्मेंस निकाल सकता है। रैम स्टोरेज देख सकते हैं आप लोग के सामने है, कनेक्टिविटी इतना भी कोई खास नया नहीं है तो आप लोग के सामने है। बाकी आप लोग सोच रहे कि इसमें IP रेटिंग तो IP55 के साथ आता है। बाकी आप लोग सोच रहे कि इसमें नया कुछ खास, नेक्स्ट इसमें एक बार चिपसेट दिया गया, जो कि डिस्प्ले एनहेंसमेंट करने के लिए गेमिंग के वक्त भी कर सकता है काम, यही कुछ दिया गया भाई नया। आजकल के जो टिपिकली फोन में आ रहा वही सेम आ रहा भाई, कुछ खास नया नेक्स्ट लेवल का चीज नहीं आता इस फोन में, जो था आप लोग को बता दे। बाकी आप लोग सोच रहे कि सही में यह फोन आने वाला है इंडिया में, तो हाँ भाई आने वाला है, क्योंकि माधव सेठ को देख सकते हैं जो कि हॉनर के CEO वो भी शेयर किए थे, और कुछ लीक्स भी आ रहा है, और अमेज़न के प्रोफाइल पर जाते हैं तो देख सकते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा डिजाइनिंग देखने में आ रहा है। बट कुछ समय पहले देखे थे कि हॉनर मैजिक 6 प्रो लॉन्च होने वाला था इंडिया में, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रीमियम और एक्सपेंसिव फोन को इंडिया में हॉनर वाला ला सकता है, क्योंकि कुछ दिन से देखे तो भाई एक बजट फोन को काफी ओवर प्राइस में लॉन्च करते हैं हॉनर वाले खास करके। आप लोग सोच रहे कि यह फोन आएगा तो प्राइजिंग क्या होगा, तो भाई चाइनीज प्राइजिंग से पहले बात कर ले तो 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ चाइना में जाता है भाई 32 हज़ार के प्राइजिंग में, देख सकते चाइना में कितना महंगा फोन है भाई। बाकी यह इंडिया में किस प्राइसिंग पर आएगा तो मुझे लगता है कि 40 हज़ार के अराउंड आ सकता है भाई, हॉनर का जो लॉन्च देखे जो फोन आया उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी जो था आप लोग के साथ शेयर कर दिए, जो कुछ छूट रहे आप लोग देख सकते हैं, वेट थिकनेस ग्राम हाई हो फलाना डेकाना जो था आप लोग के सामने होगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो को लाइक करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते इतना गर्मी में भी वीडियो बना रहे भाई, काफी पसीना बह रहा है। बाकी चलिए अगले वीडियो मुलाकात होता है, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।